गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा बीए कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस के अंदर जो आज का टॉपिक है वो है प्रिंटर। प्रिंटर में हमने इम्पैक्ट प्रिंटर आपको पढ़ा दिए थे। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होते हैं? इस प्रिंटिंग में प्रिंट हेड और कागज के मध्य संपर्क नहीं होता है, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटिंग की अनेक विधियाँ हैं, ठीक है। इसमें प्रिंट हेड और कागज के आपस में कोई कनेक्शन नहीं होता है। और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की कई सारी विधियाँ हैं जिससे हम प्रिंटिंग करा सकते हैं। सबसे पहला आता है इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर एक नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है जिसमें एक नोजल लगी होती है, ठीक है, जिससे कागज पर स्याही की बौछार की जाती है और आकृतियाँ या कैरेक्टर को छापा जाता है, ठीक है। प्रिंट हेड के नोजल में स्याही की बूंदों को कागज पर उचित दिशा में छोड़ा जाता है। इसमें प्रिंट हेड में क्या होता है कि नोजल से स्याही की बूंदों को उचित दिशा में उचित एक ही डायरेक्शन में प्रवाहित किए जाते हैं। इसका आउटपुट ज़्यादा क्लियर होता है, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है लेज़र प्रिंटर। लेज़र प्रिंटर का आजकल क्या है, आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो होती है सर्वश्रेष्ठ प्रिंटर होता है। इसमें लेज़र के थ्रू, लेज़र किरणों के थ्रू अपनी प्रिंटिंग को किया जाता है, ठीक है। इसमें प्रिंटर में एक मिनट में कई सारे पेजों को प्रिंट किया जा सकता है। इसकी गति काफ़ी स्पीड तेज होती है और उच्च श्रेणी का होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आता है इसकी जो गति होती है इंकजेट प्रिंटर से कहीं ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर इस प्रिंटिंग के लिए ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। थर्मल प्रिंटर में प्रिंटिंग के लिए क्या किया जाता है, ऊष्मीय प्रभाव का प्रयोग किया जाता है। इससे पेपर पर काले बिंदु प्रिंट हो जाते हैं। इससे क्या होते हैं, पेपर पर काले बिंदु प्रिंट होते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है। ये थर्मल एनर्जी का यूज करता है उसके लिए प्रिंटिंग के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है प्लॉटर। अब अपना प्रिंटर यहाँ पे खत्म हो चुका है। इसके बाद आता है हमारा प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है, प्लॉटर एक ऐसी डिवाइस है जिसका यूज हम करते हैं ग्राफिक्स के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ग्राफिक्स कोई चीज करनी है जिसमें हम दो डायरेक्शन में काम कर सकते हो, ठीक है। जैसे अब इसकी डेफिनेशन पढ़िए, कुछ आपको सूचनाएं ऐसी होती हैं जो ग्राफिक्स के रूप में दर्शाई जाती है। कैसे दर्शाई जाती है, एक्स और वाई डायरेक्शन में, जैसे पाई चार्ट, ठीक है, ग्राफ चार्ट आदि। चित्रित करने के लिए ऐसी मशीन की आवश्यकता होती है जो पेपर पर दोनों दिशाओं में काम कर सके, ठीक है। और वो मशीन होती है हमारी प्लॉटर, ठीक है। प्लॉटर एक ऐसी मशीन है जो एक्स और वाई दोनों डायरेक्शन में काम करती है और उसमें चार्ट ग्राफ आदि को आप आसानी से प्रिंट करा सकते हैं, ठीक है। प्लॉटर के कई सारे टाइप, प्लॉटर दो टाइप के होते हैं, एक ड्रम प्लॉटर होता है, एक फ्लैटबैक प्लॉटर होता है, ठीक है। अब हम बात करें ड्रम प्लॉटर। ड्रम प्लॉटर क्या होता है, यह एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जिसमें पेन प्रयुक्त होता है। इसमें क्या प्रयुक्त होता है, ड्रम प्लॉटर में एक पेन प्रयुक्त होता है जो गतिशील होकर कागज की सतह पर आकृति को तैयार करता है और कागज एक ड्रम पर चढ़ाता है। इसमें एक पेन प्रयुक्त होता है जो कागज पर गतिशील होकर आकृति को घेर देता है या कह सकते हैं आप छाप देता है, ठीक है। उसके बाद कागज का एक चढ़ा होता है, एक ड्रम पर चढ़ा होता है, ठीक है। तो ये प्लॉटर के अंदर ड्रम प्लॉटर, ठीक है। इसके बाद आता है फ्लैट बेड प्लॉटर। फ्लैट बेड प्लॉटर क्या होता है, ये प्लॉटर कागज की को स्थिर अवस्था में एक बेड या ट्रे में रखा है। इसमें कागज को कैसे रखा जाता है, एक ट्रे में या बेड पर स्थिर अवस्था में रखा जाता है, ठीक है। फिर एक भुजा पर पैन चढ़ा होता है और जो मोटे कागज पर ऊपर नीचे एक्स वाई डायरेक्शन में प्रिंट कराता है, ठीक है। तो ये जो आपका होता है फ्लैट बेड प्लॉटर और ड्रम प्लॉटर, ये काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारी जब हमें दोनों डायरेक्शन में अपनी प्रिंटिंग को प्रिंट करना है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रिंटर क्या होता है और प्लॉटर क्या होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा इसमें आउटपुट डिवाइस के अंदर एक टॉपिक और रह गया है जिसको बोलते हैं मॉनिटर, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या मैं आपको थोड़ा सा बता दे रही हूँ मॉनिटर के बारे में। मॉनिटर एक ऐसी आउटपुट डिवाइस है जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर में हम इनपुट करते हैं वो हमें अपनी स्क्रीन पर दिखाई देता है। जैसे आप कंप्यूटर की स्क्रीन जैसी होती है, चौकोर होती है, ठीक है, वहाँ पर ये टेलीविजन टाइप की होती है, टीवी टाइप आपको दिखता होगा। इस पर आप अपनी कोई भी
आउटपुट को प्रोसेसिंग के बाद, कोई भी इनपुट के डेटा को प्रोसेसिंग के बाद रिजल्ट के रूप में देख सकते हैं मॉनिटर के अंदर। इसकी कई सारे टाइप होते हैं जी, वो हम कल नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे इसके टाइप्स को भी। थैंक यू।